क्वेश्चन वन का पार्ट वन, बिकॉज आई एम नॉट अ फुटबॉल फैन, आई एम डैश टू द फैक्ट माई फ्रेंड मेट अ पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर येस्टरडे। अब इसके अंदर चॉइसेस को आप गौर से देखें और आपका चॉइस बनता है इनडिफरेंट, क्योंकि जब इनडिफरेंट अंदर डालेंगे तो बड़ा एग्जैक्ट किस्म का जुमला बन जाता है, आई एम इनडिफरेंट टू द फैक्ट माई फ्रेंड मेट अ पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर येस्टरडे। पार्ट टू, क्लॉक इज टू टाइम एज थर्मामीटर इज टू डैश, यानी जिस तरह क्लॉक का ताल्लुक टाइम से है, थर्मामीटर का ताल्लुक किस चीज़ से है? हीट, रेडिएशन, एनर्जी या टेम्परेचर? ऑब्वियसली टेम्परेचर। पार्ट थ्री, द पेन स्पिल्ड ऑल ओवर द फ्लोर डैश द स्वीपर हैड अ बिग मैस टू क्लीन अप, चूज सुटेबल ट्रांजिशनल डिवाइस फ्रॉम द फॉलोइंग। आंसर बड़ा ही ऑब्वियस सा है, एज अ रिजल्ट, कि यानी कि जब पेंट गिर गया तो उसके नतीजे के तौर पे क्या करना पड़ा, स्वीपर को वहाँ पे सफाइयाँ करनी पड़ी। पार्ट फोर, वेयर ही गोज द एस्टीम्ड डॉक्टर सांचेज इज अपलॉडेड फॉर हिज लाइफ सेविंग रिसर्च, इन्फर द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड एंड चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स। इसका भी आंसर बड़ा ऑब्वियस है, ग्रेटली एडमायर्ड, यानी कि उनकी बड़ी इज्जत की जाती है क्योंकि बड़ी रिसर्च की हुई थी उन्होंने अपनी लाइफ में। ऊपर लगा लेते हैं थोड़ा सा पेपर को और पार्ट फाइव देखते हैं। ही वॉज एज स्नग एज अ बग इन अ रग, दिस सेंटेंस कंटेन्स अ सिमिली। एज अ का जब लफ्ज आ जाए, एज स्नग एज अ बग, तो वो सिमिली होता है। पार्ट सिक्स, जाहिद लुक्स अ नोबल पर्सन बट ही ऑलवेज बिकम्स डैश एनी गुड डीड, चूज द सूटेबल ऑप्शन इन फिल इन द ब्लैंक। ये भी बड़ा सिंपल है, एन ऑब्स्टिकल फॉर, बट ही ऑलवेज बिकम्स एन ऑब्स्टिकल फॉर एनी गुड डीड, यानी रुकावट बन जाता है किसी भी अच्छाई के अंदर। मजीद पेपर को ऊपर करते हैं। पार्ट सेवन, आई बिलीव दैट यू इफ यू लोअर टैक्सेस सो दैट पीपल कैन कीप मोर ऑफ द मनी दे अर्न, इट विल बी डैश फॉर देम टू वर्क हार्डर, चूज अ सूटेबल ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ये भी बड़ा आसान है, एन इंसेंटिव, यानी कि फायदा देंगे तो वो काम करेंगे हार्डर। पार्ट एट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंसेज गिवन बिलो, माई मदर कुक्ड डिनर वाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, बी आई लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल एंड माई मदर लाइक्स प्लेइंग टेनिस, पार्ट सी ही मिस द फर्स्ट पीरियड बिकॉज ही वॉज लेट, पार्ट डी आई हैव नॉट सीन माई ग्रैंड मदर सिंस आई केम टू जर्मनी। ये बड़ा ही सिंपल है, देखें आखिरी वाला है। पार्ट नाइन, अ डैश ऑफ सेलर्स वॉज ऑन बोर्ड टू स्टार्ट वॉयज टूअर्ड्स अरेबिया क्रू। पार्ट टेन, देर वॉज डैश इन साइड दिस बिल्डिंग वॉज एम टी, देर वॉज नो बडी इन साइड। नेक्स्ट पार्ट इलेवन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज पोजेसेस द एडवर्ब ऑफ मैनर, पार्ट ए ही हैज फर्मली डिस्कार्डेड द आइडिया ऑफ अटैकिंग द एनिमी, बी माई डॉग ऑलवेज बार्क्स, पार्ट सी द गर्ल्स वेंट अपस्टेयर्स टू गेट देयर कोट्स, पार्ट डी माई टीचर ऑफन राइट्स ऑन द वाइट बोर्ड। बहुत आसान आसान है। पार्ट ए, ही हैज फर्मली डिस्कार्डेड द आइडिया ऑफ अटैकिंग द एनिमी। पार्ट ट्वेल्व, चूज द सेंटेंस विद एन एडजेक्टिव क्लॉज इन इट, द टीम मेंबर हु रेजेज द मोस्ट फंड्स विल रिसीव एन अवार्ड, द पेशेंट इन द व्हील चेयर हैज अ ब्रोकन लेग, द हाउस विद वाइट पेंट इज एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, द गोट विद द ब्राउन लेग्स वॉज ग्रेजिंग इन द मीडो। आसान आंसर है पार्ट ए। थर्टीन, द यूनाइटेड नेशन ऑफन ट्राइज टू डैश इन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज, चूज द वर्ड विद इन विद करेक्ट स्पेलिंग्स टू फिल इन द ब्लैंक। इंटरसीड, यानी वो मदाखलत करते हैं। पार्ट फोर्टीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज कंटेन्स द बेस्ट सिनोनिम, यानी कि सिमिलर वर्ड फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस, ड्यूरिंग माई लेजर टाइम आई इंजॉय रीडिंग, ड्यूरिंग माई रिपोज टाइम, ड्यूरिंग माई प्लेजर टाइम, ड्यूरिंग माई स्ट्रेस टाइम, ड्यूरिंग माई टॉयल टाइम। ये पहला वाला रिपोज टाइम, जो फारिग टाइम होता है। पार्ट फिफ्टीन, फॉर्चुनेटली द एक्सप्लोजन डैश द एस्टीरॉयड फ्रॉम अ कोजर दैट वुड हैव सेंट इट हर्डलिंग इन टू अवर प्लैनेट, इन्फर सूटेबल वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। बड़ा ही सिंपल है, डाइवर्टेड, यानी हमारी तरफ आ रहा था लेकिन दूर हो गया। ये तो अल्लाह का कुदरती निज़ाम है, अल्लाह ताला दुनिया को बचा लेते हैं। आपको कौन सी चीज़ों के पेपर्स की रिक्वायरमेंट है, गेस्ट पेपर्स, और मैं बहुत ज़्यादा शौक से आपके लिए बनाता हूँ, तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।